तो आज भैया बात कर रहे हैं दृष्टांतों के मकसद के बारे में। दृष्टांत। Jesus uses so many times। यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत मतलब कहानियों का इस्तेमाल किया है। When I was reading about the Old Testament। भैया कह रहे जब मैं पुराना नियम पढ़ता हूँ। He talk about Isaiah, he talk about the Judges, तो यशायाह, जेर की किताब, उत्पत्ति किताब। People use more about prophecy. वहाँ पर ज़्यादा भविष्यवाणियाँ हुई हैं। The prophets love to prophesy about tomorrow, what is going to happen. क्योंकि भविष्यवक्ताओं का क्या होता था कि आने क्या वाला है उसकी भविष्यवाणियाँ वो करते थे। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आए, the whole scenario changed. तो हर चीज़ बदल गई। So he wasn't about prophesying about people. तो लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ उस समय नहीं कर रहे थे। But the action was there. पर वहाँ पर काम तो हो रहा था। He was there speaking to the hearts of people. वो लोगों के मनों से बात कर रहे थे। He was not there to prophesy them about their problems of tomorrow. यीशु मसीह उनको आने वाली परेशानियों के बारे में नहीं बताने आए थे। But he's there to talk to you that the power of healing, the power of prophecy is not in anyone but in you. पर परमेश्वर ये कहने आए थे यीशु मसीह की जितनी भी भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य है या चंगाई का सामर्थ्य है कहीं बाहर से नहीं वो आपके अंदर है। But parables was something different than Jesus introduced. लेकिन दृष्टांत कुछ अलग चीज है जो यीशु मसीह ने आविष्कार करी। He speak to people in parables. वो लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। People get confused. लोग सोचते थे क्या बातें कर रहे हैं। And they would just go home. और कई लोग तो बिना समझे ही घर चले जाते थे। People will say, "Oh, this is the reason why he's Antichrist." लोग कहते हैं अच्छा ये Antichrist होगा। This is the reason how someone will talk so foolishly. कोई इंसान कैसे कहानियाँ बता रहा है समझ में तो कुछ आ नहीं रहा एकदम बेवकूफ के जैसा। But Jesus said, "Oh, I wish they would understand." यीशु मसीह कहते थे काश ये लोग समझ पाते जो मैं कह रहा हूँ। So the parables were so powerful. जो दृष्टांत थे उनमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य था। That to those who understood the power of parables. लेकिन जो लोग दृष्टांतों के सामर्थ्य को समझ पाते थे उन्हीं के लिए वो काम की चीज़ थी। They become the smartest people. तो जो लोग समझ पाए वो धरती के ऊपर सबसे स्मार्ट सबसे बुद्धिमान थे। That's what Jesus called the disciples. इसलिए यीशु मसीह ने उन बुद्धिमान व्यक्तियों को चेला कहा। I have given you the power to understand the parables. मतलब परमेश्वर ने उन चेलों को वो सामर्थ्य दिया था कि वो दृष्टांतों को समझने पाए। But this is not for everyone. पर ये दृष्टांतों की समझ हर किसी के लिए नहीं थी। Parable is a call to smartness. तो दृष्टांत की समझ मतलब बुद्धिमानी जिसके अंदर होगी। Jesus wants us to be smart. इसलिए यीशु मसीह हमसे भी चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने। That is why he speaks in parables. और इसलिए यीशु मसीह सीधी सीधी बात नहीं करते थे दृष्टांतों में करते थे। And people were confused. और कई लोग नहीं समझ पाते थे। But that is how the Spirit of God works. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ऐसे ही काम करती है। When you want to serve God, जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाह रहे हैं, first you have to understand how the Spirit of God works. पहले तो पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे काम करती है। You will never find the Spirit of God being so clear. परमेश्वर की आत्मा कभी भी सीधा सीधा बात करती ही नहीं है। When the Spirit of God speaks, जब परमेश्वर की आत्मा बात करती है, only the smart person there will understand. सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाते हैं कि अच्छा परमेश्वर की आत्मा ने बोला। Or else we give so many different meanings to that word. और बाकी लोग उसके अलग अलग अर्थ बता देंगे। But to those who have that power of smartness, लेकिन जिनके अंदर उस बुद्धिमानी की समझ है वही लोग समझ पाएंगे। Understand the meaning of the message. वो समझ जाएंगे अच्छा परमेश्वर की आत्मा ये कह रही है। So before we go to the main message, तो अभी के जो मेन संदेश है उसमें जाने से पहले, what is parables? कि दृष्टांत क्या होते हैं? किसी को पता है? Yes. Earthly stories with heavenly meanings. Yes. कि मतलब धरती की कहानियां है लेकिन उसका अर्थ स्वर्गीय। Yes, yes, yes. और कोई कुछ बताना चाहता है? बड़ी कहानी को छोटे में समेट के बताते हैं। Can we tell not the whole story but in a small way and using different proverbs? Yes, it's short. That is good. Mm-hmm. Take something and make the people understand and that things, you know, the pick up some example and that is the... मतलब उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों के द्वारा सिखाते हैं। Amen. So we need to understand this. तो हमें पता होना चाहिए कि दृष्टांत का मतलब क्या है। Because when I speak about the parables, जब भैया कहते हैं मैं दृष्टांत के बारे में बताऊंगा, and you don't understand what is the meaning, जब भैया उसका मकसद
खिलाफ
खास दृष्टांतों का इस्तेमाल makes them so angry. क्योंकि यहूदियों को बड़ा गुस्सा आता था कैसे बात करता है. When they ask Jesus question. और जब यीशु से क्वेश्चन पूछते थे. And Jesus replied in a very different language. यीशु मसीह कभी सीधा-सीधा जवाब नहीं देते थे, अलग तरीके से जवाब देते थे. They ask question about Caesar. वो पूछते थे अच्छा कैसर के बारे में बताओ. Who shall we glorify? किसकी महिमा करें? Is it Jesus answered the question? यीशु मसीह बताओ भाई आपको जवाब देना पड़ेगा. Jesus said, give me the coins. यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का देना. He turned the question to them, whose head is written? अच्छा इस सिक्के के ऊपर किसकी शक्ल बनी है? Give to Caesar what belongs to Caesar. कैसर की है ना तो इसका And मतलब? To God what belongs to God. तो प्रभु को जो बनता है प्रभु को दो और जो सिक्का कैसर का बनता है कैसर को दो. That is not what the Sadducees want to hear. सदूकी लोग ये साफ साफ जवाब सुनना नहीं चाह रहे थे. They want Jesus to give them A or B. वो कहते हैं ये बताओ ये करना है कि नहीं करना है आप तो घुमा फिर के बात करते हो. But this is not the way Jesus works. लेकिन यीशु मसीह ऐसे बात नहीं करते थे. He walks in a way that is so confusing. यीशु मसीह ऐसे जवाब देते थे कभी कभी समझ में नहीं आता था. That's why people get confused in their life. और इसलिए लोग अपने जीवन में कंफ्यूज हो जाते थे. Is it the spirit of God or not? और इसलिए कई बार हम भी कंफ्यूज हैं कि परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है कि हमारा मन ही बात कर रहा है. But Jesus wants to call you today to smartness. लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं आज से बुद्धिमान हो जाओ. So that you understand. ताकि आप समझ ले पाओ. The way that Jesus walked. कि परमेश्वर आखिर काम कैसे करता है. And you know that till today he's still speaking to us in parables. और आप समझते हो कि आज भी परमेश्वर हमसे दृष्टांतों में ही बात करता है. But we will never understand. पर हम नहीं समझते. But I will tell you today that Jesus speaks in parable to us. तो भैया कह रहे हैं मैं आज आपको ये समझाऊं कि यीशु मसीह आज भी हमसे दृष्टांतों में ही बात करते हैं. Do anybody know why Jesus speaks in parables? क्या कोई बता सकता है कि यीशु मसीह क्यों दृष्टांत में बात करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर से चेक करते थे कि ये मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है. क्योंकि जो सदूकी को बताते थे वो कहते थे कि तो पागल है और किसी की बातें करता है. लेकिन जो इंटरेस्टेड थे उनके पीछे चल के बार बार उनसे पूछते गुरु इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है. क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि अपने मोती सूर्य के आगे मत फेंको जो उनकी कदर नहीं करते. So Jesus Christ wanted to know that who is really interested to know the meaning of the parable. If the person will be interested, he will continue to follow me. He will keep on asking me questions. Because in the Bible, God saying that don't throw your pearls in front of the pigs. Yes. सही जवाब. और कुछ कहना चाहता है? Even I love people who stand up. चलो खड़े होके जवाब दे दे भैया कह रहे मुझे बहुत पसंद आता है खड़े होके. Stand up and speak. That is good mark. जो भी आपको लगता है आप बोल सकते हो उसमें. Because what you do, you build your confidence. क्योंकि जब आप खड़े होके बोलते हो ना तो confidence level बढ़ता है. You know when you stand up in front of people and talk. जब लोगों के सामने खड़े होके बोलना सीख जाते हो. I don't even want to know whether the answer is correct or not. भैया कह रहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जवाब सही की गलत है. लेकिन क्या आप इतनी हिम्मत जुटाते हो और खड़े होते हो? It gives you that courage. पर आप भी जब खड़े होते हो yes. He shares with the parable because he just wants to know if those people are interested to listen or not, and if they do not understand, that they will return to me and re-ask the questions or not. This could be one of the reasons. Yes. Praise the Lord. Amen. That is all truth. जो आपने बोला सबने सही बोला. But Jesus. लेकिन यीशु. Introduced something that was different from Elijah, from Isaiah, from Amos, from all the prophets. So Elijah, भविष्यवक्ता ने, Jeremiah ने, Amos ने, जितने भविष्यवक्ताओं ने जो बोला था, उससे कुछ नया यीशु मसीह ने करना शुरू किया. No, Jesus used parables. यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया. To spread the good news of Jesus. यीशु मसीह ने सुसमाचार को बांटने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल किया. And he used the parables. और उन्होंने उस सुसमाचार को बांटने के लिए क्या किया? दृष्टांतों का इस्तेमाल किया. To spread to people about the kingdom of God. ताकि वो परमेश्वर के राज्य की समझ लोगों को देने पाए. How if you do good on earth? इसका मतलब कि कैसे आप धरती पे जब अच्छा करोगे? How you become the sons and daughters of God? कैसे आप परमेश्वर की संतान बन जाओगे? Jesus has split the kingdom of my father. यीशु मसीह ने अपने पिता के राज्य को लोगों को समझाया. When you listen to me. यीशु ने कहा जब तुम मेरी सुनोगे. When you obey my message. जब तुम मेरी वाचाओं पे मेरी आज्ञाओं पे चलोगे. Jesus, it is not for free. ये मुफ्त में नहीं होने वाला है. You have some blessing that will come from the kingdom of God. जब आप कुछ अच्छा करोगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर की कुछ आशीष आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी.
because when Jesus talked to people about how the kingdom of God is, क्योंकि जब यीशु ने लोगों से बात करी कि आखिर परमेश्वर का राज्य क्या है, Jesus knew some don't understand. यीशु मसीह को पता था कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आने वाला. And Jesus said, "Come closer." तो यीशु मसीह ने ठीक है मेरे पास आओ. Because people love stories. क्योंकि लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं. If you are away, maybe some of your grandparents or your grandfathers. जैसे आपको पता होगा आप जब छोटे होंगे आपके दादा दादी आपको कहानियां सुनाते होंगे और सुनना चाहते हो and that story never go away from your mind. और जो कहानी आपने बचपन में सुनी थी वो कहानी आपके मन से जाती भी नहीं है and you will see when you grow old even 80 you still remember those stories. और आप देखते हो कि जब 80 साल की भी हो तो अच्छा मेरे दादा जी ये कहानी बताते थे वो याद रहता है you can transfer those stories to your own children. जब आप दादा दादी बन जाते हो अपने बच्चों को आप सिखाना शुरू कर देते हो story. क्योंकि कहानियों में ये सामर्थ्य होता है. Jesus said that stories are so interesting. क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि कहानी सुनने के लिए सब तैयार होते हैं. Let's talk about the movies, the story, the series. तो जैसे सीरीज आती है YouTube पे, पिक्चरें आती हैं. There are some people who can miss it. कुछ लोग जो सीरीज सीरियल छोड़ नहीं सकते. Some people can, you know, put off everything they are doing just to watch that series. कुछ लोग खाना वाना सब छोड़ के सीरियल देखने के लिए बैठ जाते हैं. And they pay so attention to that series. और वो इतना attention इतना ध्यान देते हैं टीवी के अंदर. They will not miss any word that they will speak. वो कहते हैं एक लाइन भी मिस ना हो जाए सीरियल के अंदर. They know the date, the time they will start the new story. उन्हें पता है अच्छा आज हुआ ना कल एपिसोड में ये आएगा वो तैयार है. Jesus understood the power of stories. तो यीशु मसीह को पता था कि अच्छा कहानियों में तो बड़ी ताकत है. Because he has been preaching to people. क्योंकि वो लोग कब से प्रचार तो कर रहे थे. Repent, the kingdom of God is coming. अरे पश्चाताप कर लो परमेश्वर का राज्य आने वाला है. People say we have been hearing this for John. तो रोज ही सुनते हैं क्या नया बता रहे हो. John have been telling us repent. यमुना भी तो आया था यही बोल के चला गया. The first person. आप पहले थोड़ी हो. Jesus said no. यीशु ने कहा नहीं. I have to use some power. चलो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा. ये सुनने मेरे लोग मेरी. The parables, they are stories. तब यीशु ने कहा अच्छा मैं दृष्टांतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. Beautiful stories. लोगों सुंदर सुंदर कहानियां बताओ. About when you do good. कि अच्छा काम करोगे ना. All the blessings will come. तो देखो आशीष आएंगे. Become so interested. तो मैं अच्छा ऐसा होता है. Begin to change their mind. लोग अपने मनों को बदलना चालू कर देंगे. Begin to understand the kingdom of God. लोग ये अच्छा परमेश्वर का राज्य ऐसे काम करता है. That is the power of Jesus. यीशु मसीह ने इसका इस्तेमाल किया अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए. He knew it will work. उन्हें पता था ये तो काम कर ही जाएगा. That is why today the best selling books are story books. और इसलिए आप देखिए सबसे ज्यादा किताबें दुनिया में बिकती हैं वो है कहानियों की किताबें. Go to the market, the best selling books are all story books. आप किसी किताब की दुकान पर जाओ उससे पूछो भैया सारी सबसे किताबों में सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है. Because they draw your attention. क्योंकि कहानियां आपसे सबसे ज्यादा आपका मन खींच लेती है. You want to know the end of it. आगे आप कहानी पढ़ते सोचते और क्या होगा और क्या होगा आगे क्या होगा आप इंटरेस्टेड रहते हो. So you want to put concentration. और इसलिए पूरा ध्यान लगा के उसके कहानी को देखते हो या पढ़ते हो. That's what Jesus wanted from them. और यही यीशु मसीह लोगों से चाह रहे हैं. If they give me attention. अगर ये मुझे अपना ध्यान दे रहे हैं. I will throw them to my father. तो मैं अपने पिता तक तो ले ही जाऊंगा. If they will listen to me. अगर ये मेरी सुन लेंगे. I will throw them to my father. मैं इनको अपने पिता के बारे में बता के छोड़ूंगा. That is what scared the Pharisees. और फरीसी लोगों से डर लगता था. They started to lose their people to Jesus. तो कहते हैं सारे लोग यीशु के पीछे भाग रहे हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा. The Pharisees that anyone who follow Jesus will be killed. तो फरीसी ने तो ये तक बोलते हैं यीशु के पीछे जाएगा ना उसको मार डालेंगे. But people are not obeying them. लेकिन लोग फरीसी भी सुन थोड़ी रहे. They keep coming to Jesus. और यीशु के पास फिर भी आ रहे. That's why they become so mad with Jesus. और फरीसी लोग इसे ज्यादा ही पागल हो गए कि अरे यीशु ऐसा कैसे कर रहा है. That's what brought the jealousy for them to और फरीसी लोगों के अंदर इसलिए यीशु को लेकर इतनी जलन भर गई. Because they knew that the story of Jesus was drawing the attention of people. क्योंकि वो जान गए थे कि यीशु मसीह जब कहानी सुनाता तो सारे लोग के कान वहीं पहुंच जाते हैं. And they said, no, if we keep quiet, he will even convince us, the elders. तो फरीसी लोगों ने कहा अच्छा भाई हम चुप होके बैठे ना भाई ये कहानी सुना सुना के हमारा भी मन बदल देगा. Amen. So the parable was a tool for Jesus to explain the kingdom of God to people. दृष्टांत एक ऐसी चीज थी, ऐसा हथियार था जो यीशु ने इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए. And Jesus used parables. और यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया to tell people about his mission on earth. ताकि वो लोगों को बताने पाए कि आखिर मैं भी इस धरती पे क्यों आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ. He used parables to tell that my father sent me. यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया और कहा मेरे पिता ने मुझे भेजा है. I came to do the will of my father.
मैं यहां आया हूं अपने पिता की मर्जी से. आमेन. सो लेट्स गो टू मत्ती चैप्टर 13. होते हैं मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय. मत्ती 13 वांट टू रीड फ्रॉम 10 टू 17. मत्ती चैप्टर 13. Verse 10 to 17. हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से 17वां वचन पेज नंबर 21 हिंदी बाइबल. मत्ती चैप्टर 13 वर्स 10 टू 17. मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से 17 दृष्टांतों का उद्देश्य. 10. चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा. मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते. उनके विषय में यशाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है. कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं. पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, तुम्हारे कान वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी. आमेन. The purpose of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का मकसद क्या है? This parable explained it. ये दृष्टांत सब बताया. These people they have eyes but they can't see. क्योंकि यीशु ने कहा कि लोगों के पास आंखें तो हैं पर देखते नहीं हैं. Isaiah had been prophesying. यशाह भविष्यवाणी भी कर रहा था. Jeremiah the same thing. यर्मिया ने भी यही कहा था. God sent so many prophets. परमेश्वर ने कितने सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा. People they have ear when you speak they will do the opposite of what you say. लोगों के पास कान तो है, भविष्यवक्ता कुछ कह तो रहे हैं लेकिन करते उल्टा है फिर भी. But what attracted me here? पर भैया कह रहे मुझे सबसे अच्छा वचन इसमें क्या लगा? Jesus said. यीशु ने कहा. The disciples asked Jesus. चेलों ने जब यीशु से पूछा. So why do you speak to them in parables? तो लोगों से दृष्टांतों में फिर बात क्यों करता है? These are the disciples of Jesus, the followers of Jesus. यीशु मसीह के चेले खुद यीशु मसीह से पूछ रहे हैं. And Jesus answered and said. और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of God. तो उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है पर उनको नहीं. So parables are kind of gift, the packages. तो दृष्टांत मतलब एक समझ लो एक तोहफा है. That contains the secret जिसके अंदर रहस्य है of the kingdom of God. कि परमेश्वर के राज्य तक पहुंचे. So that is where everything is there. ये वही जगह है जहाँ पे सब कुछ है. But there are some people who have been given that power to understand. और उन कुछ लोगों को ऐसी समझ दी गई है कि वो दृष्टांतों के अर्थ को समझने पाए. But to many, it has not been revealed. पर बहुत सारे लोगों तक अब तक ये समझ पहुंची नहीं है. Jesus said to his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा. You do not understand what you enjoy. तुम समझते नहीं हो कि किस चीज का तुम आनंद ले रहे हो. But from today, I'm going to reveal the power of the parable to these people. लेकिन आज से मैं लोगों को ये सामर्थ्य दूंगा ताकि समझने पाए कि दृष्टांतों का अर्थ क्या है. Jesus speaks something that is so awkward. यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें करते थे सुनने में बहुत अजीब होती थी. He said, "Whoever has, more will be given to him." यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास है ना, उसको और दिया जाए. As someone who don't have, और जिसके पास नहीं है, the little that he has, थोड़ा वो भी है, वो भी ले लिया जाएगा. Can anyone explain? कोई समझा सकता है इसका अर्थ क्या है? The parable. Let me see how smart. Let me see whether the kingdom of God has been opened to us. Can anybody explain to me this parable? That to those who have the rich, who took all our money. मतलब अमीर लोग जिन्होंने जिनके बहुत सारा पैसा है. That more will be given to them. फिर उनको और दे दूँगा फिर. The poor who have nothing. गरीब है ना, इसके पास कुछ नहीं है. Even the little one they have. थोड़ा बहुत ही है, वो भी ले लो. What does that mean? इसका क्या मतलब? परमेश्वर हमें आत्मिक समझ की बात कह रहे हैं.
जिनको परमेश्वर ने दृष्टांतों में बात किया और जिसको आत्मिक रूप से समझ में आया, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि और उस पर खोलूंगा, और जिसको जो फरीसी है जो थोड़ा बहुत समझते हैं बाइबल प्रीच करते हैं उनसे वो भी ले लिया जाएगा. कि द पीपल हु हैव द विजडम टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग दैट आई विल गिव देम मोर विजडम मोर अंडरस्टैंडिंग. क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हर. दैट इज ही हिट एट द नेल. दैट इज सो पावरफुल. इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. Even the rich who obey me. इसका मतलब जो अमीर लोग हैं जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं. Even the rich. यहाँ पे अमीर लोगों की बात हो रही है. Who listens to my word. जो मेरे वचन पे सुनते हैं. I will give them more. उन्हें और दूंगा. तो यहाँ पर आत्मिक अमीरी की बात हो रही है. To those who I give ears, but they don't listen. लेकिन कई लोग कान तो है पर सुन नहीं रहे. Even the ear I give, and I will take it back. क्योंकि जो कान है ना वो भी निकल जाएंगे. Because they are not making use of it. इस कान का फायदा तो उठा नहीं रहे हैं वो लोग. Jesus spoke to them in parables. यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बात करी. To make them to understand about the kingdom of God. ताकि वो परमेश्वर के राज्य को समझने पाए. I give you two hands. मैंने तुम्हें दो हाथ दिए हैं. To work for me. काम करो मेरे लिए. You are not making use of it. तो फायदा नहीं उठा रहे हो दोनों हाथों का. You are sleeping. अभी सो रहे हो. The hands are not working. हाथ का काम नहीं हो रहा है. You are very poor. गरीब हो. Even I will make you more poorer. मैं तुम्हें और गरीब बना दूंगा. If it is possible, I will take away your two hands. थोड़े बहुत जो है वो दोनों हाथों को भी ले लूंगा. If the rich is working with that, I will join in with them. कोई अमीर व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है और करता जा रहा है उसको और अमीर बना दूंगा. Because Jesus becomes so frustrated with people. क्योंकि यीशु मसीह लोगों से बहुत परेशान हो चुके थे. I have loved you, I have given you everything. इतना प्रेम किया, इतना अच्छा शरीर दे दिया, हाथ पैर सब दे दिया. I am telling you about the path of truth. मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ. And you still not believe in me. फिर भी विश्वास नहीं करते हो. What will I do? तुम क्या करो? You die in your ignorance. तुम बिना जाने इसलिए मरते जा रहे हो. You become poor in your ignorance. तुम अपने ना समझ की वजह से या इग्नोर करने की वजह से मरते जा रहे हो. That is why our lecturer in the university. University के अंदर जो professor lecturers होते हैं. He always said to us. वो हमेशा कहते थे भैया कह रहे हैं मुझसे. The difference between the poor and the rich. अमीर और गरीब में क्या फर्क है? It's only one thing. एक ही चीज है. Information. जानकारी. To those who have the information. जिनके पास जानकारी है. Is likely to progress. वो आगे उन्नति करेगा ही करेगा. And to those who don't have any information. जो जानकारी नहीं रखते. If that is a scheme by the government right now. अगर गवर्नमेंट ने आज कोई नई स्कीम निकाल दी. The first who got the information. सबसे पहले जिसको जानकारी मिल गई. Is likely to succeed. वो सबसे पहले जाकर फायदा उठाएगा. Is likely to get the information. सबसे पहले उसका फायदा उठाएगा. That somebody who don't even know anything. इसको पता ही नहीं गवर्नमेंट ने क्या नई स्कीम निकाली. Before he come to know about the scheme. जब तक उसको पता चले कि नई स्कीम निकली क्या है. It's already 1 year 6 months. उस बात को तो 1.5 साल हो गए अब तो. And all the seat is full. सारी सीटें भर गई. That is the difference. ये फर्क है. People have the information. जब लोगों के पास जानकारी होती है. When people tell you do this, then you will progress. जब लोग कहते हैं अच्छा ये करोगे ना तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा. If no one tells you what they are doing. अगर कोई आपसे बताए ही ना कि वो क्या करने वाला है. You will remain in darkness. आप अंधेरे में ही रह जाओगे. People will tell you this is what is going on. लोग बताएंगे अरे ये हो रहा है इसमें फायदा उठा लो. That's why they say information is power. इसका मतलब क्या है कि जानकारी में ताकत है. When you have information of something. जब आपके पास किसी भी चीज की जानकारी होती है. Be among the progressive people. तो आप उन्नति करने वाले लोगों के बीच. That's what Jesus said. यही यीशु का. I came to give you information. मैं आया तुम्हें जानकारी देने के लिए. I came to tell you the truth. मैं आया तुम्हें बताने के लिए कि सच्चाई क्या है. How you are going to be successful in life? लेकिन अब तुम इस सच्चाई से कैसे फायदा उठाओगे? कैसे उन्नति करोगे? Come out from the old ways. पुराने रास्तों को पुरानी सोच को निकाल दो. Follow new way. अब नए रास्ते पे चलो. Things will be well with your life. तभी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा. People don't hear. लेकिन लोग नहीं सुनते. Jesus becomes so angry. यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया. He said, I want to talk to them in parables. आज मैं लोगों से दृष्टांतों में ही बात करूंगा. Because they have mouth, they can't speak. लेकिन मुंह तो है बोलते नहीं है. They have ears, they can't hear. कान तो है सुनते नहीं है. I give them legs, they can't walk. पैर भी चलते नहीं है. That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने क्या कहा? If I give you those talents. अगर मैंने तुम्हें वो खूबियां वो टैलेंट्स दे दिए हैं. And you refuse to make use of it. और तो फायदा तुमने उठा रहे हो. It shall be taken away from you. तो जो फायदा है उसको कोई मिलेगा नहीं. उसके टैलेंट्स ले लिए जाएंगे. The power of the parable. कि दृष्टांतों का सामर्थ्य. That people began to be interested in the kingdom of God. ताकि लोग
परमेश्वर के राज्य में इंटरेस्टेड हो जाए, रुचि रखने लग जाए। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Blessed are your eyes for they see. कि आशीषित तुम्हारी आंखें हैं क्योंकि वो देखती हैं। And your ears because they hear. कि तुम्हारे कान हैं वो आशीषित हैं क्योंकि वो सुनते हैं। Blessed. आशीषित हैं। Because you hear. क्योंकि तुम सुन रहे हो। Maybe people may be talking about the old age. हो सकता है लोग पुराने समय में बात करते हैं। Time of Jesus. यीशु के समय में। But I'm talking about now. भैया कह रहे हैं मैं यीशु के समय की नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। I and Pastor Kamai have been preaching here. Then. आप ये देखें इतने सालों से भैया एलेक्स पास्टर कमाई यहाँ पे प्रचार करते आ रहे हैं। But many who use the word to progress their life. उस उनके वचनों कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया। In 10-50 years to come. आने वाले 10-15 सालों में. People will still remain in the same level. कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही रहेंगे, 15 साल बाद भी वैसे But ही रहेंगे। 10-50 years to come. लेकिन 15 सालों में. Many will rise. कुछ लोग बढ़ेंगे. To those who use the word. क्यों जो लोग इन वचनों का इस्तेमाल करें. To those who are not the people that wrote it in their books. But the people that wrote it in their hearts. कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी किताबों में ही वचनों को लिखा, लेकिन कई लोगों ने वचनों को किताब के बाद दिल में भी लिखा। The people that always make use of those things in their daily life. कुछ लोग ऐसे हैं जो वचनों को यहाँ से सीख के जाते हैं रविवार को, बाकी के हफ्ते में उन वचनों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। They will be blessed. वो ही आशीषित होंगे। Because we speak not our own power. भैया कह रहे पास्टर, कह रहे कि मैं पास्टर अपने सामर्थ्य से नहीं बात करते। Sometimes when I preach. कई बार मैं कहती हूँ I used to ask myself, how is it possible? कैसे हो सकता है? I don't even remember what those things that I said here on the altar. प्रचार कर देता हूँ, उसके बाद मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं क्या प्रचार में बोल के चला। If you ask me to speak in my home, अगर आप बोलो भाई को घर जाने के बाद जो आपने एक घंटा प्रचार किया तो सेम कर देना। It will be a different thing altogether. But when I'm here, लेकिन जब यहाँ खड़े होते हैं, I don't even know how I speak whatever I say. भाई कह रहे मुझे नहीं पता मैं जो बोलता हूँ मैं कैसे बोल देता हूँ। Sometimes I don't prepare anything. कई बार भाई कह रहे मैं इतना prepare करके भी नहीं आता हूँ। I just take my Bible and just come up here. सिर्फ Bible उठाता हूँ यहाँ आ जाता हूँ। I say God, whatever I will speak, you speak. प्रभु जो मैं बोलूँगा वो आप ही बोलोगे। But people may be saying, it's not me who talk. लेकिन जो लोग देखते हो समझते नहीं कि बोल कौन है। You see the spirit. लेकिन अगर आत्मा देखो। You see that God is talking not to me and to you. कि अच्छा भैया नहीं भैया के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। Whatever I speak is also for myself. भैया कह रहा है जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मैं भी सीखता हूँ। People will say, oh, I preach to myself also. और भैया कहते हैं लोग कि अच्छा भैया आपने हमसे प्रचार किया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। But people don't understand. लेकिन लोग नहीं समझते। People fear that oh, when you go outside the world is where you get it. लोग कहते हैं अच्छा दुनिया के बाहर जाके ना कॉलेज में सीखने मिलता है या नहीं। That is not true. ये सच नहीं है। What you get here is more powerful even than what you get from university. जो आज आप यहाँ सीख रहे हो वो ज्यादा सामर्थ्य और ज्यादा लाभदायक है उससे जो आप कॉलेज और स्कूलों में सीखते हैं। We have been there in the university. There is nothing so different there. भैया कह रहे मैंने भी स्कूल कॉलेज किया है मुझे पता है पर ऐसा भी कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता। I have been to so many universities. भैया कह रहे मैंने एक नहीं बहुत सारे महाविद्यालयों से पढ़ाई करी है। People will just give you, you know, what we talk, call, you know, the process. भैया कह रहे वो लोग सिर्फ रास्ता बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। Except it, then you just come, they will show you the process. अलग-अलग कॉलेजेस में जो सेम ही चीज को बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है बस। But you find out that so many of them don't even make it in life. भैया कह रहे हैं बताते हैं लेकिन जो बताते हैं वो लोग भी अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाते। There are some people today they went to so many better universities. आज बहुत सारे लोग हैं जो बड़े-बड़े महाविद्यालयों में गए हैं। But they have nothing to give in their life. पर फिर भी उनके जीवन में लोगों को देने के लिए आज कुछ नहीं है उनके पास। They only speak big English. वो बड़े-बड़े इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। That is all they can offer. पर वो इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोलते। He can speak good British English. That is all they can do. अच्छे-अच्छे एक्सेंट में British English, American English तो बात कर सकते हैं। But financially, spiritually, physically, nothing in them. लेकिन उनके अंदर ना पैसा है, ना आत्मिक समझ है, ना बुद्धि है, ना कोई भी चीज़ में अच्छे नहीं। That is the difference between university and God. तो यही फर्क है महाविद्यालय की पढ़ाई और परमेश्वर की पढ़ाई। It is not about certificate. ये नहीं कि अच्छा महाविद्यालय में तो सर्टिफिकेट मिलता है ना। God don't require any certificate. प्रभु कहता है सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। He give you the blessing that is free. वो आपको
आशीष ऐसे देते हैं जो यहाँ पर नहीं दिख रहे लेकिन वो मुफ्त में आपको मिल रहे हैं। He gives you the favor that you needed. वो आपको तरफदारी देते हैं बाहर जाके लोगों की। You will be favored. He gives it to you. प्रभु आपको वो तरफदारी देगा जिसकी आपको जरूरत है। Amen. Amen. I want you to understand. I want us to read one more. मैं कह रहा हूँ एक और पढ़ेंगे। Matthew, let's read also Matthew 13. 24 to 30. Yes. I want somebody else after reading you can explain me the parables. ये वचन ये पढ़ रहे हैं हम इसके बाद अगर कोई बताना चाहता है मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय का 24वें वचन से लेकर हम पूरा दृष्टांत ये पढ़ेंगे जंगली बीज का दृष्टांत 24 यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज होकर चला गया जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा हे स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का काम है दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले उसने कहा नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तो उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध दो और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो Do you understand? Can anybody explain this parable? कोई समझा सकता है इस दृष्टांत को? I want you to be here. आप लोग यहाँ हो जाएं आपने. Crack your brain and say something. अपने मन को अपने बुद्धि को यहाँ लगाएं. Even if you don't know what to stand up and say. भैया कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोग confidence इकट्ठे करें आपको नहीं भी समझ आए ना खड़े होके कुछ तो बोलो उससे धीरे-धीरे हमारा confidence बढ़ेगा. The blessing of God will be upon you, amen. प्रभु की आशीष भी मिलती है. What do you understand by the parable? हमें समझ में आता जो पैराबल है कि परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की बात की है और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है तो गॉड इज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड एंड गॉड द सीड इज द गॉड्स वर्ड और जो वचन है वो परमेश्वर ने जैसे लोगों के मन में डाला किसी के द्वारा हमने सुना है लेकिन अब हम प्रार्थना नहीं करते तो वो वचन हमें बढ़ने की बजाय और So as the sower sow the seed, similarly God has given through you, through different preachers, the word of God. But if we don't pray, तो वो चीज़ क्या होता है? शैतान आके हमारे मन से उस वचन को चुरा लेता है. So then Satan comes and he steals that word from our hearts. तो जो शैतान की जो knowledge है, वो हमें आ जाता है परमेश्वर का वचन. And then the word of God will be removed from us, but the word of Satan or his works will be there in our lives. और इसमें एक और समझ सकते हैं कि जो वचन है वो हमें दिया गया है तो that word of God has been given to us लेकिन जब हम उस चीजों को जब हल्के में लेते हैं but when we don't value that word of God in our lives तो शैतान का वचन हमारे अंदर काम करता है और हमारे अंदर अंधकार आता है then Satan's word will work in our lives and then there will be darkness in our lives amen amen praise the Lord कौन बोलना चाहता है amen thank you clap for her उनके ताली बजाएं The Bible was so simple. Jesus was explaining to us. तो दृष्टांत इतना साधारण है और यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? First he said. पहले उन्होंने क्या कहा? The kingdom of God is like a man. परमेश्वर का जो राज्य है वो मनुष्य के समान है. This was why I said why Jesus used the parables. क्यों यीशु मसीह ने दृष्टांत का इस्तेमाल किया? He used it for them to preach them about the kingdom of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं। About the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य। That's what the Bible says. He said the kingdom of God is like। उन्होंने क्या बोला कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? A man who sowed good seed। एक मनुष्य के समान है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। The Bible very simple। दृष्टांत बहुत ज़्यादा साधारण है। Jesus was trying to tell to us यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? That when you believe in God जब आप यीशु में विश्वास करते हो when you carry your cross to follow Jesus जब आप अपने क्रूस को उठा के यीशु के पीछे चलते हो there will be temptation तो परीक्षाएं तो आएंगी there will be troubles मुश्किलें भी आएंगी that is why he said और इसलिए यीशु ने कहा a good man sow a seed एक इंसान ने अच्छा बीज बोया while he was still asleep और जब वो जाके बीज बोके सो गया the enemy come and planted the tares, and that long green tree.
trees, that grows is useless tree. और जब दुश्मन आया तो वहाँ पर उसने के गलत बीज वो बोल दिया और वहाँ से weeds निकल गई. And when the man came in the morning, he found out. He said, I didn't plant this seed. और जब वो व्यक्ति सुबह उठ के आया तो मैं जंगली पेड़ कैसे होंगे? मैंने तो अच्छे बीज बोए थे. When you accept Jesus, जब आप यीशु को अपनाते हैं, problem will come. जंगली बीज आपके जीवन में बोने आएगा. जो भी आपने बोया है उसको खराब करने के लिए शैतान तो आएगा. और इसलिए शैतान आया और उसने जाके जंगली बीज भी बो दिए. इट इज यूजलेस ट्री, इट्स यूजलेस. जंगली पेड़ तो बेकार, कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं उगते उस पर. सो व्हाट टू डू, अब क्या करें? If you pull the tares, you pull also pull the good tree. अगर आप जंगली पेड़ खींचोगे तो अच्छे पेड़ का बीज भी खींच जाएगा. That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने क्या कहा? Just leave it. अरे चलो छोड़ दो इसको, उगने दो. Both of them grow. कोई बात नहीं, एक समय तक इन दोनों को ही उगने दो. During the harvest time. अभी छोटे छोटे हैं ना, कटनी के समय आने दो. जब कटनी आएगी, जब दोनों को काटेंगे तब अच्छे अच्छे बोले और खराब खराब बोले. Even though problems will come. इसका मतलब परेशानी तो आएगी. Even temptations will rise while you following Jesus. हमें यीशु के पीछे चलने परीक्षा आ रही है. Jesus said, "Believe in me." यीशु कहता है उसके बावजूद तुमने विश्वास बनाया. I will help you to overcome. और मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको पार करने. I will help you to defeat the temptation. मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस परीक्षा के ऊपर पार पाने में. With me, you will be victorious. यीशु ने कहा मेरे साथ तुम जीत जाओगे. That is a simple word of God. ये बहुत साधारण और आसान वचन है. So people love these stories. लोगों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. And Jesus uses to spread the kingdom of God. और यीशु मसीह ने उन दृष्टांतों का इस्तेमाल किया प्रभु के राज्य को बताने में. The parable. कि दृष्टांत. So powerful. उसमें बहुत. And that's what Jesus introduced. और यीशु मसीह ने यही बताया. I was reading about this, so it caught my attention. ये कह रहे मैं पढ़ रहा था और ये मेरे सारे मन को और ध्यान को ले गया. The parable brought Jesus Christ. कि यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताए. Many people that even James, Isaiah, nobody have ever brought in the kingdom. आप ये देखिए यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया. यशा, यर्मिया, बड़े-बड़े भविष्यवक्ता इसके बारे में नहीं बात करें. That is so powerful. और इसमें बहुत सामर्थ्य है. Jesus is still speaking to us today. तो यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? But Jesus is speaking in parables. यीशु मसीह आज भी हमसे दृष्टांत पर बात कर रहे हैं. Do you know? क्या आपको पता है? Do you know that Jesus speaks to us today? क्या आपको पता है आप भी यीशु मसीह दृष्टांत पर बात करते हैं? If you know, can you give me an example? क्या आपको अगर आपको पता है तो आप क्या उदाहरण दे सकते हैं? You know, it's like in those days. The intelligent students. कि पहले के समय जो intelligent बच्चे होते हैं. They sit in front rows. वो हमेशा ना आगे वाली सीट पे बैठते हैं. Why? The ones that are not intelligent, they sit back side. और जो पढ़ाई में अच्छे थे वो तो पीछे back में बैठते हैं. So, one of my friend when we were in the school. तो पहले कह रहे जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त. He's not so much intelligent. वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था. So he always sit at the back. But one day, but एक दिन, the teacher asked one question. Teacher ने question पूछा. I said, do all of you know the question? सबको जवाब पता है मेरे question का? You know, everybody thought it's just normal. Everybody say yes. तो हर बच्चे को लगा था teacher तो ऐसे ही पूछे. हाँ, सबने एक साथ मिला के हाँ कर दिया. But he didn't know that many people have brought their hands down. लेकिन उसके बाद कई लोगों ने हाथ नीचे भी कर लिए थे. And teacher said, you get up. Teacher ने कहा ठीक है फिर तुम ना पीछे खड़े हो जाओ, बताना इसका आंसर. Give us the answer. ठीक है बताओ क्या जवाब है बेटा बताओ. And he stood up. और वो खड़ा हो गया. He said, teacher, I have a headache. टीचर मेरे सर में दर्द हो रहा है. Teacher said, no, I didn't say what I said. Answer the question. टीचर ये मुझे ये नहीं सुनना, तुमने हाथ खड़ा किया था, जवाब तुम बता दो. I have been sick. अरे मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ा सा. You said the screen. तो हाथ करके चिल्लाया क्योंकि मुझे पता है. Amen. So many people will say yes, we know. तो इसलिए हाँ हाँ तो सब कहते थे. But when you ask them how? पर भैया पूछेंगे हाँ हाथ तो कैसे हुआ ये तो बता दो. फिर चुप हो जाते हैं. Many people like to join the crowd. कई लोगों को भीड़ में चलना तो अच्छा लगता है. So that they will say yeah, we know it. ताकि हम भी दिखे कि हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं. But when they will separate the sheep from the goat. लेकिन जब बाइबल में लिखा है कि भेड़ और बकरी को अलग अलग कर दिया जाएगा. You know that you don't know anything. तो पता चल जाएगा कि हमें कुछ नहीं आता. Amen. So when they say yes. तो अगर वो कहते हैं हाँ. Don't just say yes if you don't know. तो अगर आपको नहीं पता तो हाँ
सुनना है। तो आप चुप हो जाएं और सीखने की कोशिश करें। Amen. Amen. So can anybody know? Tell me what if Jesus is still speaking to us in parable today? तो क्या यीशु मसीह आज भी दृष्टांत में बात करते हैं? कोई बता सकता है? करते हैं तो कैसे करते हैं? Can you give me an example? कोई आप उदाहरण से बता सकते हैं? Through the word of God, when we read, still God is speaking to us. Yes. He still telling stories. परमेश्वर आज भी हम. He speaks the word of God to us every day. But God is still using parables on us today. परमेश्वर आज भी दृष्टांतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एग्जाम्पल में देना चाहूंगा तो पतरस जो होता है ना वो तीन बार इनकार करता है प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन जब परमेश्वर से दोबारा आते हैं तो बहुत तीन बार उनसे वो करवाते हैं, उसके बाद उन्हें बताते हैं कि तेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। तो एक पैराबल में बता देते हैं कि मेरे भेड़ों को चरा, अगर तुम उससे प्यार करते हो, तीन बार ऐसे पूछते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे भेड़ों को चरा तीन बार, और आगे बताते भी हैं कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तेरे हाथ उस टाइम में तो उठा नहीं पाएगा, लेकिन दूसरे होंगे जो तेरे हाथों को उठाएंगे और तेरी कमर पर कपड़ा बांधेंगे। At the end when Jesus Christ was resurrected, he told Peter also that you know in the end time when in the old age there will be people who will carry you, so in a different way God was telling him how he will be crucified and will die. और कोई कुछ कहना चाहता है? We have time. What time? Because when you speak, this is what we call the interactive. भैया कह रहे जब आप भी बात करते हैं तो this is called interactive preaching. तो ये एक ऐसा प्रचार होता है जिसमें पब्लिक भी बोल रही है, प्रीचर भी बोल रहा है। Sometimes it is not only you know the pastor speaks and everybody is so boring sometimes. कई बार ऐसा ना बहुत बोरिंग हो जाता है, एक ही बंदा बोलता जा रहा है, सुनते ही जा रहे तो बोरिंग। Sometimes we have what we call interactive. ठीक है भैया कह रहे मैं चाहता हूँ मेरा प्रचार इंटरैक्टिव हो, मतलब बातचीत करने वाला। I ask you some, you ask. भैया पूछे you find out that you are more alert. और इसे भैया को भी पता चलता है कि आप लोग सो नहीं रहे और बड़े ध्यान से सुन रहे हो। So when only we speak, sometimes people get bored and people sleep. और अगर कई बार प्रचारक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता तो लोग भी बोर हो गए। Get on and speak something. इसे खटो के बोलो, बोलो। Yeah. परमेश्वर हमेशा मेरे साथ तो प्रीचर के द्वारा या मेरे ड्रीम के द्वारा बात करते हैं, और वो जो प्रीचर जो मैं घर से सोच के आती हूँ हमेशा वो मुझे यहाँ सुनने को मिलता है, तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ अगर जवाब नहीं मिलता तो परमेश्वर मुझे के द्वारा बात करते हैं, तो फिर वो चीज हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, अब मैं समझ नहीं पाई। So whenever she's at home, she always prays that God, I'm going to church, you talk to me. So when she comes, so through the preacher, the God always answers to all her questions. And if still it is missing, then she'll go and when she dreams, then also she gets the answers. Amen. Amen. The last verse I want us to read before I tell you how God is still speaking in parables. मैं एक और वचन बोलना चाहता हूँ ये बताने से पहले कि कैसे परमेश्वर आज भी हमसे दृष्टांत। So pay attention. This is what will go on today. मैं ये कह रहा हूँ जब ये अपने घर लेकर जाएंगे इसे ध्यान से। So I want somebody to tell me this last parable. Then I will conclude with telling you. एक और दृष्टांत बता रहा हूँ, दृष्टांत का अर्थ भी आप लोगों ने बताया। So let's go to Luke. Everybody should open your Bible. सब अपने अपने बाइबल को खोल के रखें। This time I want people who have never spoken before to say something. और मैं कह रहा हूँ कि अब वो लोग जवाब देंगे। So I want people who have never spoken to say something. So explain this parable. और आपको ये दृष्टांत का अर्थ बताना है। So I want to be able to grow in this way. Luke chapter 12. Luke 12. 13 to 21. Listen to this word. 13 से 21 तक एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। सब लोग ध्यान से सुने, सब में जवाब देना है। Luke chapter 12 from 13. Luke 12 अध्याय 13 वचन से 105 पेज नंबर। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। फिर भेड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। 16 उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। अब दृष्टांत शुरू हो रहा है। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह ही नहीं है, अपनी उपज इतनी सारी कहाँ रखूं? और उसने कहा, मैं
धारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तब तो कुछ जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही है वह मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Yes, I said those who have never spoken before. I want new faces. नई शक्लें दिखनी चाहिए. This is very, very. I want new faces. At least they can say. अरे कोशिश करो. Yes. I want new faces. This parable simply talks about that we should focus on our spiritual life rather than focusing on worldly things. तो ये भैया बोल रहे हैं, इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि इतने थाली में जाएं. परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने फाइनेंशियल और अपनी फिजिकल लाइफ से ज्यादा अपनी आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन पे ध्यान लगाएं. आमेन. आमेन. और कोई कुछ बताना चाहता है? Yes. When we replace our life from God with the things of this earth, that is replace. Correct. Please clap. That is what the world will do. You must change. हम परमेश्वर की जो महत्वता हमारे जीवन में होती है उसको साइड करके दुनिया की चीजों को जो महत्वता दे देते हैं उसके बारे में यहाँ. Yes, I want to. और कोई कुछ बोलना चाहता है? Yes, okay. बताओ मम्मी, आप कोई बता. Yes. हम सारा ध्यान अपना संसार में लगा के रखते हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, ना कि वो हमारे लिए नासवान है. हमें अपना मन हमेशा परमेश्वर में लगा के रखना चाहिए. किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है तो हमें उसके लिए पछताना ना पड़े. So every day we always put all our focus, time and energy in our family, in our business, in our day-to-day chores. So, and all these things are going to be destroyed one day. So it's better that we put our time, energy and money in God. Yes. Good. Perfectly. Clap. Yes. We are learning, we are going somewhere. और भी कुछ कहना चाहता है? The moral of the story. कि कहानी का अर्थ क्या है? शीर्षक. The moral of the story. कहानी का शीर्षक क्या है? The first moral is two. It divided into two. दो शीर्षक है अलग. हाँ जी भैया. First, Jesus talk about. Okay. Yeah, speak. Yes. अपना भगवान संसार में नहीं, पिता यीशु के पास. अपना अपना जो धन है वो संसार में नहीं देखना है, अपना धन यीशु मसीह में देखना. Our treasure, our money, our blessings should always seek from God, not from the world. Yes, that is true. But one thing you did not add. पर एक चीज जो है जो रह गई है. You know, intelligent students always add something to get higher marks. और समझदार लोग हमेशा, इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा प्रश्न पूछते हैं ज्यादा अच्छे नंबर. The parable is into two parables. Parable दो है. But one parable is speak about two messages. लेकिन एक ही पैराबल में दो अलग अलग बातें बताई जा रही हैं. The person who have he have everything and he say that I will stop working, eat and drink. So that means that he have everything but he lazy to work. The end of the day he lost everything. Yes. कि वो व्यक्ति है जो कह रहा है मेरे पास हाँ सब कुछ हो गया, मैं आराम से बैठूंगा. But one is remaining. In this message, it has two contents. सर एक चीज ये भी है कि हम अपना धन हमेशा दुनिया में जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब परमेश्वर का दसवांश की चोरी करते हैं, नहीं देते हैं. हम बैंक में जमा करते हैं लेकिन हमारा जो भी दसवांश है, जो भी ऑफरिंग है हमारी कलीसिया में, उनका वो चोरी कर करके इकट्ठा करते हैं, वो हमारा बीमारियों में जाता है. लेकिन जब हम उनका हिस्सा, उनका दसवांश अपनी कलीसिया में लेकर, वो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में मिले. So here she is saying that God also talks about money or tithing, that whatever money that we have we should spend in God, but we always keep on storing and at the end we have a lot of diseases, problems and all that money will go in diseases. Yes, this is all the part everyone has. Yes, one part is that. Yes. Be aware of the covetousness. Yes, yes, this is the all one part. All one part is missing. आता है कि धनवान व्यक्ति इसमें मूर्ख समझ आ गया इसको. पहली बात उसने परमेश्वर को ना केंद्र नहीं जाना,
हर एक व्यक्ति धनवान होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर जान के जो व्यक्ति करता है उसको परमेश्वर ब्लेस करते हैं उसको। अब इसमें कह रहा है कि लूक चैप्टर 18 से ना आगे इसको वर्स 18 से ये कहता है कि मेरे पास अब हो तो चुका है बहुत कुछ, अब लेकिन मेरे पास उसको रखने की जगह नहीं है। अब मैं उसने अपने जो चीजें हैं उसको और बड़ा कर दिया है, ठीक है, अब उनको बढ़ाना है धीरे धीरे। अब इसमें लिखा है आगे जाके कि वो अब उनको बढ़ा के अब उसके पास धन की बहुत बहुतायत हो चुकी है। मीन्स क्या कह सकते हैं, ग्रीड कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं, उसके पास पहले भी काफी था लेकिन अब जो ग्रीड है वो ग्रीड लेके चल रहा है उसको। तो मैं कहना चाहूंगा उसमें एक उसकी जो ग्रीड मतलब उसकी जो लालचपन दिखा रहा है वो परमेश्वर के अंदर ना मानना। मैं समझ रहा हूं आमेन। So please give me my bag. Give me my bag. Because this question, somebody will get some gift. I say, God, please forgive me, but I have to close this with this. So let's say the person who gets it rightly will go with 1,000 rupees. So this is something we must do something to. This message is to everybody. Have got the one part very correctly. One message is missing in that. That's why I said pay attention. God is also talking about greed. Okay. So God is saying whatever he already has, he also destroyed in the pursuit of having more. Yes, so God is saying. Is this a line? Yes? Try. The one who thinks that I have everything at the end, when after replacing God, he is going to say that I have nothing. But the one who says I have nothing is going to say that I have everything. Before I conclude, this is just the last. यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में जो बात की गई है, तो वो अपने प्राणों से जो उसका जो स्पिरिट है, उससे ऊपर उसने अपने धन को माना है। He has placed money over his spirit. I want somebody to go home with these blessings. I want somebody to go, Jesus, something about the parable. I don't want to say it. I want somebody to answer it. Verse 13. And the one from the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Yes. I think so. It's verse 15, na? Yes. Yes, when the brother came and said to Jesus, that was the first moral story. He said to Jesus, divide our. He said, divide our property. परमेश्वर पिता ने बोला कि अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, क्योंकि जहाँ कीड़ा और काई लगता है अपने लिए क्योंकि वहाँ कोई कीड़ा और काई नहीं लगता और वो अनंत जीवन है। And it's going to be eternal, it's not going to be destroyed ever. हाँ जी, वही, बोलो। Okay, let's see, read that verse again. Read from 13. चलो 13 से तोड़ read from 13 to 15. 13 से 15 पढ़ते हैं. Read from 13 to 15. फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले. उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे न्यायी या बांटने वाला मुझे तेरे लिए ठहराया? उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा. Here Jesus was very clear. The message have two contents. The first people, Jesus, the moral story concludes to those who pay more attention to the things of the world, to those who replace. पहली चीज तो यही है कि जो दुनिया की चीजों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं और आत्मिक चीजों को हटाकर फिजिकल चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं. But the first moral story was when the brother came to Jesus. And he said, ask, tell my brother. But Jesus rebuked him. Who made me a judge over my brother? The brother said, judge my brother, tell my brother. He said, who made me a judge?
मसीह कह रहे हैं दूसरों का न्याय मत करो। Don't say because somebody have complained to you. क्योंकि कोई आपके पास शिकायत लेकर आ गया तो न्याय मत करो। Quick to rush. और आप जल्दी जल्दी करते हैं। It's tomorrow's story. I've been written in red. That is the first moral story. Jesus said, "Man, who made me a judge and arbiter over you?" यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे किसने न्याय ठहराया? मतलब हम लोगों का न्याय करते हैं, हमें लोगों का न्याय नहीं करना है। ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं भी न्याय। Because those judgments takes me you to be to covetousness that you want more and more about life. क्योंकि जब हम न्याय ठहराते हैं, एक भाई कह रहे हैं कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। That's why Jesus said to him. क्योंकि यीशु ने यहाँ पर I can't judge your brother. कि मैं तुम्हारे भाई का न्याय नहीं करूँगा। But I am advising you that came to complain to me. पर क्योंकि तुम मेरे पास शिकायत लेकर आए, इसलिए मैं तुम्हें ही समझा रहा हूँ। Beware about greediness. कि लालच मत करो। Jesus was talking to the person that came to complain. यीशु मसीह उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो शिकायत लेकर आया था। When you read about the verse. Jesus wasn't talking about the brother that was not there. तो जो भाई वहाँ पर नहीं है ना, यीशु मसीह उसके लिए भाषण नहीं दे रहे यहाँ पर। But Jesus saw the heart of the person that came to complain. जो व्यक्ति शिकायत लेकर आया है, यीशु मसीह उसके दिल को देखकर बात कर रहे हैं। And he found that his brother that he was complaining was very good person. तो उनको समझ आया था कि अच्छा शिकायत लेकर ये आया, इसका मतलब इसका भाई तो बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन इसका मन में खराब। Then the parable was to the person that came to complain to Jesus. इसका मतलब ये दृष्टांत उस व्यक्ति के लिए बोला गया है जो खुद शिकायत लेकर ही आया है। Divide my property. मेरी property divide कर दो। My brother is against me. मेरे भाई को देखो मेरे खिलाफ है। But Jesus said no. यीशु ने कहा नहीं। Who made me a judge? No. मैं कब से न्याय ठहर गया? I would not condemn your brother. मैं तुम्हारा भाई को उल्टा बोल। But I advise you. पर मैं तुझे ही बोलता हूँ। Beware of greediness. कि greed से लालच से बचे रहो। Or else. नहीं तो। It will destroy your life. या आपके जीवन को खराब कर। Or else one day. You will wake up and find out that those things have left. और आप एक दिन देखोगे कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी एक दिन जब सुबह उठोगे। So the moral judgment was the last. तो जो But the first message was about Jesus. हाँ, ये हमने समझा कि आप इन चीजों को ज़्यादा importance देने, लेकिन सबसे पहला शीर्षक ये है कि हमें लोगों का न्याय नहीं करना है। He said, I have no judgment over anyone. वो कहते हैं मेरे न्याय किसी के ऊपर भी नहीं ठहरा। That's why he was telling us be quick to judge. इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरों का न्याय करने में जल्दीबाजी ना करें। That is why I said to you today. और इसलिए भैया कह रहे हैं मैंने आपसे कहा। Jesus still speaks in parables. कि यीशु मसीह आज भी दृष्टांतों में बात करते हैं। Jesus still speaks in parables today. And I will tell you why. और कैसे करते हैं वो भैया बताएंगे। Praise the Lord. Amen. We get distracted by these kids. It's okay. Amen. So Jesus did speak to us in parables. तो यीशु मसीह यहाँ पे दृष्टांत में बात कर रहे हैं। In our daily lives. हमारे रोजमर्रा के जीवन में। Jesus used actions and signs to tell us. यीशु मसीह हमसे अलग-अलग चिन्हों के द्वारा बात। I want to give you an example. एक उदाहरण। When you are in your family. जब अपने परिवार में होते हैं। Sometimes people don't need to tell you I hate you. कई बार लोगों को बताना नहीं पड़ता कि वो आपसे नफरत करते हैं। People don't need to tell you I don't want you. लोगों को दिखाना नहीं पड़ता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। But it's like a parable. लेकिन एक दृष्टांत के जैसा है। The atmosphere. जो वातावरण होता है ना घर का। The actions. जो उनके काम होते हैं। Tells you that something is wrong. आप समझ जाते हो कि इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए कुछ तो गलत है। When you go to somebody's house, जब आप किसी घर में अगर जाओ, the person may tell you, oh, welcome my sister. अरे 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 बहन तुम आओ। Oh, welcome my brother. अरे मेरे भैया आपको स्वागत हो। And he may show you the facial expression that is so happy with you. और वो ऐसा दिखाता है कि अरे उसको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। But when you stay inside the house, और जब उस घर में थोड़े देर बैठे रहते हो, the atmosphere, the environment, जो वातावरण होता है घर का, tell you you're not welcomed. पता लग जाता है कि मेरा स्वागत हुआ है कि नहीं हुआ है। He will never tell you I don't want you. वो ये नहीं बोलेगा मुझे तुम्हारे घर में जरूरत नहीं है। But your spirit will feel that I am not wanted in this house. लेकिन तेरी हमारी आत्मा में बता देगी कि नहीं मेरे इस घर के अंदर मुझे बुलाया नहीं गया है। Every of your actions. हमारे हर एक एक्शन में। When you want to do that. जब आप कुछ करना चाहते हैं। You will find out. आपको पता लग जाएगा। That something. कि कुछ। Maybe telling you. This is right, this is wrong. कोई ना कोई चीज आपके अंदर होती है जो बताती है सही है कि गलत है। It is not then that Jesus comes to speak to you physically. यीशु मसीह आके आपसे फिजिकली शरीर में बात नहीं करते हैं। But the parable of Jesus will speak to you indirectly. पर यीशु मसीह का दृष्टांत फिर भी आपसे बात करता है। It comes in the spiritual way. वो आत्मिक रूप से
के अंदर and tell you what is really happening. और वो बता देता है कि क्या हो रहा है. People say, oh, he don't like you. Say, how do you know? लोग कहेंगे कि अच्छा ये मुझे पसंद नहीं करता. बाकी लोग कहेंगे अच्छा तुम्हें कैसे पता ये पसंद नहीं करता? Well, your spirit is confused. I don't need to tell you. तुम्हें ये बता नहीं सकता लेकिन नहीं करता. Somebody might stole your money. किसी ने आपका पैसा चुरा लिया. Somebody might stole your phone. किसी ने आपका फोन चुरा लिया. But he will not tell you I'm the one. पर वो आपको नहीं बताएगा कि मैं ही हूँ जिसने तेरा पैसा चुराया है. But environment tells you he is the. पर environment से पता चल जाएगा वातावरण में अच्छा ये ही होगा मुझे पता है इसने ही करा होगा. And you will know to your spirit 100% sure that the one. पर आपकी आत्मा आपको बताएगी अंदर से नहीं पक्का यही व्यक्ति है इसी ने ही किया होगा. When you walk in life. जब तुम जीवन में भी आप चलते हैं. The Spirit of God tells you you are walking the right way. परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी कि सही रास्ते पे जा रहे हो कि गलत रास्ते पे जा रहे हो. Everything that you do in your working place, wherever you are going, you will see that indirectly the environment, the signs tells you whether where you are, where you are going, whether it's the right place or the wrong place. चाहे घर में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे रोड पे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा अलग-अलग चीजों से आपको बताएगी कि आप सही जगह पे हो या नहीं, सही कर रहे हो कि नहीं. That is the parable of Jesus. It never left us. It follows us and directs us. It tells us the story wherever we live, wherever we stay. Sometimes you feel problem coming. People feel problem coming. Some people wake up in the morning and say something. वो कहते हैं आज शायद कुछ गलत होगा. Because something wasn't good within you. क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. When you go late for something. जब आप किसी चीज के लिए देर से जाते हो. The environment will tell you, oh, I may be late. आपको वातावरण भी बताता है अच्छा मैं बहुत लेट हूँ. God always tells you something through the environment. And the atmosphere in whichever you find yourself. तो आप जहाँ पर भी होते हैं परमेश्वर आपको वातावरण के द्वारा चिन्हों के द्वारा बात करता है बताता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है. So the parable of Jesus. तो यीशु मसीह का दृष्टांत. It's a mystery of revelation. वो एक रहस्य है प्रकाशन का. Of things that is yet to come in our life. कि वो चीजें जो हमारे जीवन में आने वाली हैं. It is also a mystery. एक रहस्य है. To build our moral truth. कि ताकि हमारे नैतिक सच्चाई हमें पता चल ले. Sometimes your actions. And God tells you, no, don't do it. कई बार हम कुछ करने वाले हैं तो अंदर परमेश्वर की आत्मा बोलती नहीं मत कर. But he will not speak to you. पर परमेश्वर के कान में असली में बोलता नहीं है. But you'll be restless. पर फिर भी आपके अंदर एक बेचैनी हो जाती है. You can't sleep. आप सो नहीं पाते हो. He will never tell you, oh, don't kill or don't do this. प्रभु ये नहीं बोलेगा कान में आके लिख कर कि नहीं ये मत कर ये मत मार ये मत कर. But your body signs. पर आपके अंदर जो होगा आपका शरीर. Make you uncomfortable. आपके शरीर एकदम अनकंफर्टेबल हो जाए. Sometimes you will not sleep. आपको नींद नहीं आएगी. Sometimes you don't feel hungry. या कभी कभी भूख लगनी बंद हो जाएगी. Sometimes you don't even want to get up from the bed. या कभी कभी बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा. Sometimes you don't want to meet anyone. या कभी किसी से मिलने का मन नहीं करेगा. You want to be lonely. आपको अकेले रहने का मन करेगा. That is the signs God is revealing so many things in you. इसका मतलब परमेश्वर इन चीजों के द्वारा कुछ दिखा रहा है. It is not directly when he speak. ऐसा नहीं परमेश्वर डायरेक्टली मुख से बिल्कुल बात करते हैं. But through your body, through your action, through your environment. पर आपके शरीर के द्वारा आपके वातावरण के द्वारा आपके चिन्हों के द्वारा परमेश्वर को ये दिखा देते हैं कि क्या होने वाला है. Or direct you what not to do in your life. और परमेश्वर को कह देते हैं कि क्या नहीं करना है. Or tell you your actions may not be good for you. वो बता देते हैं कि अच्छा आपके आने वाला जो काम आप करने वाले हो गलत होगा. And so he uses to be your spiritual life. और आपके आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर बात करते हैं. Sometimes when you are changing spiritually. कई बार जब हम आत्मिक रूप से बदलना शुरू करते हैं. You begin to do so many good things in your life. अपने जीवन में अचानक से अच्छे काम करने लग जाते हो. Before you don't wake up on time. पहले आप सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठते होंगे. You begin to wake up on time. पर आप जल्दी टाइम से उठते हो. Before you don't cook at home. पहले आप सुबह खाना नहीं बनाते थे. But nobody tells you to cook. और किसी ने कहा नहीं कि खाना बनाना चालू कर दो. Willingly you start loving cooking. पर वो खाना बनाने में अच्छा लगने लग गया. Before you always gossip. पहले हमेशा आप चुगली करते थे. अब जब लोग करते तो आप बोलते नहीं नहीं मत किया करो. Don't gossip about people. अरे लोगों के पास चुगली करना अच्छा नहीं है. Nobody asked you to stop it. किसी ने रोका तो नहीं आपको करने से. Suddenly to happen in you. लेकिन अचानक से ही आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए. This also the parable of Jesus in the spiritual form. इसका मतलब परमेश्वर के दृष्टांत आत्मा में होकर काम कर रहे हैं. Directing your life. आपके जीवन को बेहतर चला रहे हैं. That is why it is invisible.
इसीलिए परमेश्वर की आत्मा जब बात करती है वो दिखती नहीं है। Jesus never expires. यीशु मसीह के दृष्टांत कभी एक्सपायर नहीं होते, खत्म नहीं होते। He lives in every soul that is standing today. आज जितनी आत्माएं जितने प्राण जिंदा है हर किसी से बात होती है। So let us always open our hearts. और इसलिए हम हमेशा अपने मनों को खोल के रखें। Always listen to those stories. ताकि हम उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहें। Jesus told 2000 years back. यीशु ने तो 2000 साल पहले बोली थी। We understand that he's still telling us पर आज भी इनको समझ रहे हैं। आपके जीवन में बदल रही है उसके लिए हमेशा तैयार रहे। Don't tell yourself, I don't know what is happening to me. ये ना बोले पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Value what is happening to you if it is right thing. अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो उसको इज्जत दे, अगर वो अच्छी चीज है तो build it. उसको अच्छा बनाए। That is maybe the spirit of God in you. परमेश्वर की आत्मा हो सकता है आपसे ऐसा ही करना चाहती है। तो प्रभु आपके अंदर चलता रहेगा। And you will never stop. और प्रभु कभी so नहीं रुकेगा। I pray today by the power of Jesus. आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य से प्रार्थना करता हूँ। Let this parable that we read today. कि जो दृष्टांत आज हमने पढ़े हैं। Make us to be called the sons and daughters of Jesus. उसके द्वारा हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। Build smartness in us. और ये दृष्टांत हमारे अंदर बुद्धिमानी को बढ़ाए। The people who always ask. ताकि जो लोग पूछते हैं। Before she was foolish. पहले तो ये लड़की बड़ी बेवकूफ थी। But now. आज तो smart. जब बोलती है इतना समझदारी से बोलती है। But now she's very intelligent. अब तो बहुत बड़ा गुरु हुई। What happened? क्या हुआ इसकी लाइफ में? That is always those people that the mysteries of the kingdom of God have been revealed. इसका मतलब परमेश्वर के राज्य की समझ उसको खुल गई। Everybody around you will notice it. आपके आसपास के लोग आपके अंदर बदलाव देखना चालू कर देंगे। It will show in your environment. आपके वातावरण में मुझे दिखने चालू हो जाएंगे। कि वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो बुद्धिमानी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। Get to your destiny. ताकि आपको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचे। I pray today. मैं घर में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहे। Help us to understand our life. हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन को समझने पाए। And use the word of God to build our future. और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें हमारे भविष्य को बेहतर करें। In Jesus Christ's mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य में। Amen.